अज पार्लीमेंट दे विच खेती कानूनां दी वापसी होवेगी। पार्लीमेंट सैशन जाण तों पहलां कांग्रेसी सांसद गुरजीत सिंह औजला वल्लों जंतर मंतर ते धरना स्थल ते साथियां दे नाल गलबात कीती गई। गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि काले कानूनां दी वापसी दी संविधानिक प्रक्रिया जल्द समाप्त करन दे लई सरकार ते दबाव पाया जाएगा। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि पार्लीमेंट दे विच दिनों दिन वध रही महंगाई, कर्जा मुआफी, अटारी राही व्यापार ते ट्रक स्कैन दे मसले ते भी इस सैशन दे विच आवाज़ चुकी जाएगी। एक पासे जिथे किसान दिल्ली दियां बरूहां ते खेती कानूनां दा डट के विरोध कर रहे सन अते कानूनां दी वापसी दी मंग कर रहे सन, उत्थे दूजे पासे गुरजीत सिंह औजला दे नाल होर कई कांग्रेसी सांसद खेती कानूनां दी वापसी दे लई दिल्ली दे जंतर मंतर ते धरना दे रहे सन। जिथे कांग्रेसी सांसदां वल्लों खेती कानूनां दी वापसी दे ऐलान तों बाद खुशी जाहिर कीती गई अते लड्डू वंड के इसदा इजहार कीता गया, उत्थे उन्होंने कहा कि किसानां दे होर कई मसले अजे बाकी हन अते ओह इन्हां दी भी आवाज़ पार्लीमेंट दे विच चुकणगे। अज किसानी बिल जिहड़े प्रधानमंत्री जी ने गुरपुरब दे दिन कहा सी कि इह बिल वापस लेगी सरकार, अज पार्लीमेंट दे विच उन्हां दे मोहर लगन जा रही है। असी जंतर मंत्र ते जिहड़ा लगातार धरना पिछले समय तो जारी है, साडा 7 दसंबर तो धरना शुरू किया 2020 तो, और अज असी जिहड़ी आवाज़ है बाकी कामां दी वो पार्लीमेंट च रखांगे। MSP की गल हुई, 700 जिहड़े किसान शहीद हो गए उन्हां दी गल हुई, उन्हां दे बारे रखांगे गल, और जिन्हां दे पर्चे दर्ज होए उह गल रखांगे। जिहड़ी कर्ज माफ़ी की गल भी पंजाब की पार्लीमेंट दे विच रखी जाएगी। ये जंतर मंत्र है जिथे लगातार आ साडे साथी ने सारे इन्होंने लगातार धरना चलाया तुसी, और मतलब ठंड भी होवे गर्मी भी होवे कुछ भी होवे ये साडे साथियां ने असी रल के धरना चलाया, तो ये साडा किसानी झाक च धरना सी और इहदी जित होई आ, तुहाडी जित होई है, किसान जथेबंदियां ने समूह पंजाब पंजाबीयत दी जित होई है। तो अज हुण पार्लीमेंट ही चलने आ और पार्लीमेंट दे विच बाकी जिहड़ी गल है उत्ते तुहाडी आवाज़ जिहड़ी है उह बुलंद करांगे।